मैं रहने वाला हूँ 1 महीने बिना मोबाइल चलाए, ये मेरा लाइफ का पहला चैलेंज है और देखते हैं मैं इस चैलेंज को पूरा कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। अगर मैं इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाता हूँ तो भाई साहब हमारी ये जो मूछें हैं नहीं रहेंगी। 30 दिन बहुत होते हैं और बहुत ईजी लग रहा होगा सुनने में कि 30 दिन बिना मोबाइल नहीं चलाना है, पर गाइस मुझे पता है कि क्या होगा नहीं चलाऊंगा तो। और टाइम देख सकते हो आप, अभी मॉर्निंग के 11 बजने वाले हैं गाइस, 10:50 हुए हैं। तो चलिए हमारा जो चैलेंज है उसे स्टार्ट करते हैं। तो अभी से ही नर्वस फील हो रहा है क्योंकि बिना मोबाइल चलाए, मोबाइल चलाने में गाइस जैसे कि मैं कुछ भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कोई भी रील्स नहीं देख सकता, ना इंस्टॉल कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं। समथिंग 1 मिनट में मोबाइल पर कॉल पर बात कर सकता हूँ, कोई अर्जेंट कॉल, वो भी 60 सेकेंड गाइस, बस इसके अलावा कुछ भी। तो काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला, मैं तो अभी से नर्वस हूँ, पर देखते हैं कितने दिन रह पाता हूँ। और गाइस मुझे कुछ काम है नहीं और मोबाइल में चला नहीं सकता, सोशल मीडिया जो है इंस्टॉल नहीं कर सकता, तो चलिए मैं घर का कुछ काम करता हूँ। और ये रहा हमारा ब्लॉग है गाइस, फ्री तक टूट चुका है तो मैं इसे चुकाने की कोशिश करता हूँ। गाइस हमने कुछ 20 मिनट वर्क किया, देख सकते हो अभी हो रहा है 11:11 और हमने 10:50 किया था, तो 20 मिनट जो हमारा गुजर चुका है बिना मोबाइल के हमने वर्क किया। चलिए और हमारे लिए पैसे की बहलाते हैं। अभी गाइस ना मैंने ब्रश किया है ना खाना खाया है, तो चलिए पहले ब्रश करते हैं पहली फुर्सत में, क्योंकि मैं दिन भर फोन ही चलाता था ना, मुझे कोई काम ही नहीं था। ब्रश हो गया गाइस, चलिए अब नहाते हैं। 11:40 होने वाले गाइस, चलिए मैं खाना खाता हूँ, मुझे बहुत भूख लग गई है। तो अभी क्या करना गाइस कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मोबाइल नहीं चलाऊंगा तो ऐसा लग रहा है, चलाने का तो सच कहूँ तो बहुत बुरा मन। अभी तक तो काम काम में समय बीत गया, खाया नहाया, अभी पता नहीं क्या हालत होंगी मेरी, अब बिस्तर पे ही रहना है, कुछ काम भी नहीं है। मैंने खाना खाया तो भाई मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैंने खाना खाया, क्योंकि मैं एनी टाइम जब भी खाना खाता था तो मोबाइल चलाता था, ऐसा लग रहा है कि मैं पेट भर जो खाना नहीं खाया, कुछ ऐसा फील हो रहा है मुझे आज, मोबाइल नहीं चलाया तो। 4 बज चुके हैं गाइस और इतना लंबा मैं देख सकते हो पहली बार सोया हूँ। सीएम आ चुका और सीएम देखिए बात कर रहा है, मन तो मेरा भी कर रहा है पर मैं किसी दोस्त से बात करता था, गर्लफ्रेंड तो है ही नहीं मेरी। एक दिन में ही इतना बेकार लग रहा है, अभी पूरा एक दिन भी नहीं हुआ, समथिंग 8-10 घंटे हुए होंगे। क्या करना भाई, मैंने बताऊँ मुझे टहलने के लिए, और सीएम भी काफी समय से आ चुका है, बाहर गया था तो अभी वो मेरा काफी समय से दिमाग खा रहा है कि मोबाइल चला ले, चैलेंज चला, मेरे सामने बार बार मोबाइल चला रहा था कि मैं मोबाइल चलाऊँ, पर मैं झुकूंगा नहीं गाइस, क्योंकि मैं चैलेंज पूरा करना चाहता हूँ, अपनी मूछें जो है मुझे काफी लगाव है इनसे। भाई भाई नहीं नहीं गाइस देखो मैं इसके एक भी नहीं सुनूंगा, क्योंकि मुझे गाइस मैं एक भी नहीं सुनूंगा, क्योंकि मुझे चैलेंज जो है हारना नहीं, और मेरा लाइफ का फर्स्ट चैलेंज है, काफी टफ है यार, बहुत बुरा लगता है मोबाइल के बिना, बिल्कुल भी मजा नहीं आता, मुझे बहुत गंदा लगता है। भाई हार जाएगा तू, मैं नहीं आऊंगा गाइस, सब देखते हैं जो भी होता है, अभी तो मेरा पहला दिन भी कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत बेकार फील हो रहा है, बिना मोबाइल के कम से कम 10-15 कॉल आ चुके गाइस मेरे पास, मैं एक को भी रिटर्न नहीं किया हूं और ना ही फेसबुक, व्हाट्सएप ओपन किया हूं, ना इंस्टाग्राम को इंस्टॉल किया हूं। तो चलिए चैलेंज जीतना है मुझे गाइस, अभी टाइम हो चुका है 8 और भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बिना मोबाइल के व्यक्ति क्या करना, टाइम पास के लिए कोई चीज नहीं है, कोई गेम खेले या क्या करे, कोई अगर गेम खेलते तो कोई साथ वाला नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा व्यक्ति का, सिर मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है गाइस, एकदम ऐसा लग रहा है गाइस कि एकदम लाइफ जो अधूरी सी है, अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, 8 बजे यानी ये समझ लो मैं 11 बजे से मेरा चैलेंज स्टार्ट किया हूं, तो 8-9 घंटे के समथिंग होगा, अगर नाइट में 11 बजते हैं तो होंगे 12 घंटे कंप्लीट, और मॉर्निंग में अगर 11 बजते हैं तो होंगे 24 घंटे एक, और मुझे 29 दिन रहना है, और चलिए देखते हैं जैसा भी होता है। अभी आया हूँ गाइस मैं टहल के, क्योंकि एक जगह रहता था तो बिल्कुल नहीं गमता था, और टहल के आया हूँ, और टाइम जो है अभी हो रहा है 10:30, आधा घंटा बचा मुझे 12 घंटे कंप्लीट होने के लिए, तो बहुत मुश्किल है मेरे 12 घंटे, तो गाइस अभी नींद भी नहीं आ रही और सोना पड़ेगा। वैसे तो मैं नाइट में हर दिन 1-2 बजे सोता था, हर नाइट जो है मैं 1-2 बजे सोता था, पर अब जानबूझकर मुझे जल्दी सोना पड़ेगा, तो चलिए गुड नाइट, मिलते हैं कल। गाइस अभी 8 बज चुके हैं मॉर्निंग के, और आप टाइम देख सकते हो 8:10, 8:20 हो चुके हैं, और मैं अभी भी उठाऊँ और इतना ज़्यादा सो रहा हूँ, मोबाइल नहीं चला पा रहा हूँ, तो कोई काम नहीं, सिर्फ सोने सोना पड़ रहा है, बहुत बेकार फील हो रहा है। अभी 3-4 घंटे बचे एक दिन पूरा होने के लिए, क्या ही बोलूँ। चलिए गाइस मैं ब्रश करता हूँ और नहाता हूँ, मिलते हैं उसके बाद गाइस। और भाई 20 मिनट के समथिंग तो मैं 11 बजे के लिए, यानी मेरे एक दिन कंप्लीट हो जाएगा, और काफ़ी नर्वस हूँ क्योंकि बहुत बेकार लगता है बिना मोबाइल के, देख सकते हो हमारे भाई को बहुत आनंद ले रहा है टीवी का सीएम, और मैं टीवी नहीं देख पा रहा हूँ, तो क्या ही कहूँ उसे। और मुझे तो लग रहा है गाइस सभी चैलेंजों में से भाई सबसे टफ एंड डिफिकल्ट यही है चैलेंज, और मेरा पहला चैलेंज है यार, मुझे तो नहीं लग पा रहा है कि मैं समथिंग पूरा कर पाऊंगा, पर चलो एक दिन तो जैसे जैसे गुजर ही जाएगा, मुझे इतना लग रहा है, पता नहीं आज और क्या करूँगा। नाइट में भी काफ़ी टाइम तक सोया था गाइस, बहुत समय तक, सुबह मैं 8-9 बजे के समथिंग उठाऊँ, और पता नहीं दिन में कितना सोऊंगा, पागल जाऊँगा, मैं रात दिन फोन चलाता था, और अभी भी खाना खाया तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैंने खाना खाया था, क्योंकि मैं और मैं और शिवम जो है अभी खेत में जा रहे हैं कुछ कुआ का काम करने के लिए, और देख सकते हो फ़ोन चला रहे हैं, काफ़ी बार बार बोल रहा है मुझे कि भाई चैलेंज को से हार मान लो, पर गाइस मैं नहीं मानूंगा, और लगभग मेरा एक दिन जो है पूरा हो चुका है,
तो मैं जैसे तैसे मेरा समय इधर उधर बीत जाए इसलिए मैं खेत वेत में आ रहा हूँ। अभी भी समय है यार, हार मान ले। नहीं नहीं नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जो मेरी मूछ है इन्हें नहीं कटवाऊंगा मैं। ब्रो तेरी मूछ तो कट के रहेगी यार। चलो देख लेते हैं कौन हारता है और कौन जीतता है। इस गधे की बात से मैं डरने वाला नहीं और चैलेंज को पूरा करूंगा गाइस, देखते हैं। एक दिन तो मेरा जैसे तैसे बीत गया, पर सच कहूं तो बहुत नर्वस हूं, बिना मोबाइल चलाए मुझे मेरी लाइफ पूरी अधूरी लग रही है गाइस। काफी दूर से गाइस इसे मैं खींचते ला रहा हूं, इसे हम ले जा रहे हैं। हमारी ड्राइवर ने ट्राली पलटा दी है भाई, तो वहां ट्राली जो है उसे सीधी करने जा रहे हैं। चलिए काम ही काम करना है, मनोरंजन के लिए जो मोबाइल था वो तो नहीं है। है पूरा हो चुका है और ट्राली जो पलटी थी वो सीधी हो चुकी है। तो चलिए घर चलते हैं, मैं टाइम देखता हूँ, मैंने टाइम भी नहीं देखा, काफी समय हो चुका है। तो एक बज चुके गाइस, चलिए मैं नहाता हूँ और फिर करते हैं आराम, क्योंकि फिर कोई काम नहीं अपने को। और भाई 5 बज चुके हैं, मुझे वीडियो बनाने जाना था, वीडियो बनाने का हमारा प्लान था, न्यू एक्सपेरिमेंट वीडियो, पर हमारा जाना नहीं हो पाया क्योंकि अभी सुबह मुझे मार्केट जाना, मम्मी काम बता रही। तो चलिए आते हैं मार्केट से। मैं मार्केट से आ गया हूँ गाइस, बिना मोबाइल के कोई नहीं रह सकता, देखो मैं रह रहा हूँ यार भाई। ये एक लगा इधर मोबाइल में, दूसरा उधर देखिए, रजनी का दिखाता हूँ आपको एक सेकंड। ओ भाई भाई भाई, हाँ देखिए, ये है प्यार और ये मोबाइल का भूत जो मेरे अंदर से 4 गुना था इस पर चैलेंज के कारण। भाई अंदर दिन के बाद बोलूँ तो बहुत बुरा लग रहा है, जैसे जैसे एक दिन हो गया आप देखते हैं, लाइक में भी रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, जितना है चैलेंज पर गाइस कुछ नहीं। अब नींद तो नहीं आ रही गाइस, पर सोना पड़ेगा क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया, 9 बजे, और अगर मोबाइल रहता मेरे पास तो मैं समथिंग 1-2 बजे नाइट में सोता था, पर नहीं आने के बावजूद भी मुझे सोना पड़ेगा। काफ़ी टाइम मैं बैठ गया और काफ़ी टाइम मैं यहाँ पर टाइम पास किया, पर अब बोरिंग सा महसूस हो रहा है, ऐसी बात कर रहा है मोबाइल पर और इंस्टाग्राम चला रहा है, मैं उसके बाद मुझे डिस्टर्ब करता है, देख ऐसा वैसा चैलेंज छोड़ दे, पर मुझे अपनी भाई मुझे नहीं कटवाना। तो चलिए गाइस गुड नाइट, मिलते हैं कल, करता हूँ मैं आराम। गुड मॉर्निंग गाइस, तो भाई अभी बन चुके 8:30, आज काफ़ी लेट उठाऊँगा इसमें क्योंकि जल्दी भी उठूंगा तो कुछ करना तो है नहीं और काम इतना कुछ खास है नहीं, मुझे मनोरंजन करना होता तो जल्दी उठूंगा, मोबाइल चलाते हैं। चलिए गाइस अभी 11 बजे हैं और मैं खेल गया था और वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं खेला गया था और बाइक से गया था इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। तो चलिए खाना खाते हैं और आज टॉपिक सोचता हूँ, मुझे वीडियो बनाना है, दो एक्सपेरिमेंट वीडियो ही। चलिए टॉपिक तो मन से सोचना पड़ेगा, मोबाइल का तो मैं सहारा नहीं ले सकता। तो चलिए खाना खाता हूँ, नहाता हूँ और फ्रेश होता हूँ, उसके बाद सोचता हूँ मैं फिर नया कंटेंट और आज वीडियो बनाऊँ। आई तो 4 बज चुके हैं और हम प्लानिंग कर चुके हैं हमें कौन सी वीडियो बनाना है, तो चलिए चलते एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाने। और भाई हम हमारे आ चुके लोकेशन में और देख सकते हैं यहाँ पर मैं करने वाला शूटिंग, जो मैं मेरा माइंड आज किया कि मैं जो है बाइक को लेकर आज एक्सपेरिमेंट करने वाला, तो हम वीडियो शूटिंग कर देंगे गाइस। गाइस तो अभी मेरा भोजन जो है वो हो चुका है, गुड नाइट। हे गाइस गुड मॉर्निंग, और भाई साहब अभी 8 बज चुके हैं, तो चलिए मैं आता हूँ फ्रेश होके और ब्रश वगैरह करता हूँ और नहाता हूँ, मिलते हैं फिर, बाय बाय। तो भाई साहब अपना भोजन वोजन सारी चीज़ हो चुकी है, अपन आ गए अपने रूम में आराम करने। 10 बज गए गाइस, 4 घंटे बाद मूवी हो जाएगी कंप्लीट 3 दिन। और भाई साहब दूसरी चीज़ तो ये है कि मेरा जो डाटा है गाइस वो पूरा 100% जैसा वैसा ही रहता है और चार्ज ज़्यादा खत्म नहीं होती, मेरा फोन आधे सारी सीवा यूज़ करता है, तो कुछ प्रकार गाइस चलिए करते हैं मनोरंजन, मैं चलाता हूँ अपना दिमाग, नेक्स्ट वीडियो किस पर लाना करके। और गाइस अभी 2 बज रहे और भाई यहाँ भी गर्मी काफ़ी हो रही है, मैं सो के उठाऊँ और गाइस देख सकते हो मैं यहीं बैठा हूँ और रिमझिम रिमझिम जो है बारिश होने लगी, मौसम काफ़ी ख़राब है, हवा जो है वो चल रही है, ये देख सकते हो बारिश आने लगी है। गाइस मेरे साथ के सभी गए हैं बाहर यानी चंडी गए हैं, तो मैं आज उधर घूमने नहीं गया, आज भी यहीं पर हूँ और घर पे हूँ जगह पर। तो चलिए मैं थोड़ा टहलता हूँ छत के ऊपर और मिलते हैं अभी, समथिंग 6 बज गए होंगे मेरे हिसाब से, 6+ हो गए होंगे। गाइस तो मैं गया था भाई अभी बर्थडे में और बर्थडे से आ रहा हूँ, अभी टाइम हो रहा है शायद 10 बज रहे हैं और काफ़ी फ्रेंड्स लोग आए थे इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, वहाँ मैं गया था फोटो खींचने के लिए। तो चलिए गाइस कल मिलते हैं और कल 11 बजे गाइस मेरा 4th डे कंप्लीट हो जाएगा, कल मुझे कंप्लीट 4 दिन हो जाएंगे जिसमें मैं मोबाइल नहीं चलाया हूँ और कुछ इसी प्रकार। चलिए गाइस तो कल मिलते हैं, मैं करता हूँ आराम। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, तो भाई आप ही बज रहे हैं 10:30 और गाइस मैं मॉर्निंग टाइम मम्मी ने काम बता दिया तो मैं काम से चला गया था इसलिए मैं मॉर्निंग टाइम जल्दी वीडियो नहीं बना पाया, अभी बना रहा हूँ। तो गाइस मैं आज मेरे 4th डे कंप्लीट होने वाला है बिना मोबाइल चलाए, उसके लिए आधे घंटे बचा है, मैं 11 बजे चैलेंज स्टार्ट किया था तो 11 बजने के लिए अभी बचे हैं आधे घंटे, तो मेरा आज
फोर्थ डे कंप्लीट हो जाएगा, बचे 26 दिन। बहुत बेकार जिंदगी कट रही है, क्या ही बोलूँ। बस दिन का दिन भर टाइम पास करना होता है, इधर से उधर बिस्तर में रहो ये वो। और गाइस अभी मुझे एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाने के लिए जो आइडियाज़ है वो भी अच्छे से नहीं आ पा रहे, क्योंकि मैं फोन नहीं चला पा रहा हूँ, तो काफ़ी कन्फ्यूजन सा रहता है। और कल सुबह बाहर चला गया था जिसके कारण मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया। तो चलिए देखते हैं गाइस, आज प्लान करते हैं और मैं आज वीडियो बनाता हूँ। आज मुझे फोर्थ डे कम्प्लीट हो चुके हैं, अभी बन चुके हैं और अपन बैठे हैं अपनी गैलरी में, देख सकते हो। और अपन यहाँ एक आज हाड़ू सा आइडिया सोचने वाले एक्सपेरिमेंट वीडियो को लेकर, तो देखते हैं गाइस कैसा एक्सपेरिमेंट वीडियो आज मेरे माइंड में आता है। तो चलिए मैं यहाँ करता हूँ आराम और ठंडी हवा के साथ सोचता हूँ कुछ एक धासू सा आइडिया गाइस। और गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई ये जो चैलेंज है बहुत ईजी है, मुझे तो सच में इतना टफ लग रहा है, अभी मेरा पहला ही चैलेंज है यार, बहुत बुरा भी फील हो रहा है। अब तक तो थोड़ा देता पर पहला चैलेंज है गाइस, इसलिए मैं कर रहा हूँ। खैर देखिए, मैं जब तक मुझसे होगा मैं तब तक रह लूँगा। बहुत डिफिकल्ट है, पर हर पल मुझे फ़ोन की याद आती है, इसलिए मैं हमेशा एनी टाइम बिजी रहता हूँ। घर वाले मुझे कुछ काम बताते हैं, मैं काम करता हूँ, पर मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं बिजी रहूँ। आज मुझे टोटल 5 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि मैं बिना सोशल मीडिया इंस्टॉल किए या रील्स कुछ भी देखा नहीं हो, कुछ भी चलाया नहीं मोबाइल की दुनिया से बहुत 5 दिनों में। पर दिन ब दिन जो गाइस मेरा जो चैलेंज है बहुत डिफिकल्ट होते जा रहा है, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि अब नहीं होगा, ऐसा लग रहा है। अभी तक तो मैं एक भी बार फ़ोन नहीं चला। अगर मैं चैलेंज हारता हूँ तो ये मूछें जो हमारी शान होती है और मुझ पर ठीक ही लगती है वैसे, पर काफ़ी लगाव भी है मुझे इनसे। और अगर मैं चैलेंज हारता हूँ तो ये जाएंगे। खैर अभी तो जैसे तैसे 5 दिन गुजार लिए, रही बात है 25 दिन की, चलिए देखते हैं। पर ऐसा लग रहा है कि मैं एक बीमार हो गया हूँ, मोबाइल नहीं चला रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार हो गया हूँ, और मुझे कोई बीमारी हो गई है। कुछ अकेलापन सा, कुछ अधूरा सा फील होता है बिना, वो भी इसीलिए रह पाएगा, इसलिए टोटल बिजी रहा। मैं गाड़ी पर काम करने गया, मैं खेत में गया, इधर उधर रहा, पर मैं जगह पर नहीं रहा। एक जगह पर रहता तो बिल्कुल मोबाइल चला लेता, तो मैं चैलेंज एक दो दिन में ही आ जाता था। पर चैलेंज यहाँ तक इसलिए आ पाया कि मैं अपने आपको बिजी रखा, और उसके बावजूद भी है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार कहीं ना कहीं कुछ अधूरा है, कुछ ना कुछ बहुत सा अधूरा सा लगता है। एनी टाइम फोन चलाता था, पर अब वो चीज़ नहीं मिल रही है चलाने के लिए, नहीं तो बेकार फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा अधूरा सा फील हो रहा है मुझे। तो भाई मैं अभी आ चुका हूँ, मेरा भोजन हो चुका है, अभी रात के बज रहे हैं 9:30 के समथिंग। मैं काम करने गया था बीच में, मुझे मशीन का काफ़ी सारा काम बताया था, ट्रैक्टर लेके गया था और मार्केट किया, दिन भर बिजी रहा, मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाया, तो कुछ ऐसी बात है गाइस। तो चलिए कल मिलते हैं मॉर्निंग टाइम, गुड नाइट, लव यू ऑल। चैलेंज जो है गाइस काफ़ी डिफिकल्ट होते जा रहा है, दिन ब दिन मुझे लग नहीं रहा। आज मेरा 6वां दिन कंप्लीट हो जाएगा, 11 बजते ही, तो 11 बजने के ज़्यादा समय नहीं आता है, घंटे बाद मेरे 6 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखते हैं, मुझे चैलेंज दिन ब दिन डिफिकल्ट लगता जा रहा है, रहना नहीं हो पा रहा है गाइस मुझसे। खैर देखते हैं, अब जो भी होता है, लग रहा है मुझे हार मानना पड़ेगा, क्योंकि 6 दिन में मेरी इतनी बेकार कंडीशन और इतनी बेकार हालत हो चुकी है कि क्या ही बोलूँ। तो मेरे 1 महीने कैसे गुजरेगा, और मेरा फर्स्ट चैलेंज था। अब इसी को नहीं बताया मैं कि ये चैलेंज मैं हार मानने वाला हूँ, पर क्या ही बोलूँ, मेरे हिसाब से मैंने हार मान लेना चाहिए गाइस, क्योंकि मुझसे नहीं लगता कि इतने दिन मुझे बिना मोबाइल चलाए रहना होगा। चलिए देखते हैं, जैसा भी होता है विचार करता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को बताता हूँ मैं हार मानता हूँ या नहीं। हार मानता हूँ तो इतनी अच्छी मुझे जाती रहेंगे। कहते हैं जो हाई मोबाइल जो चलाता है गाइस, वो 1 दिन भी बिना मोबाइल के रह ले तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो जैसे तैसे 6 दिन मैंने गुजारे लिए, और मुझे तो नहीं लग रहा है यार कि अब मुझसे कहीं हो पाएगा गाइस, क्योंकि सब कुछ लाइफ में अधूरा अधूरा सा फील हो रहा है मुझे। एक समय के लिए गर्लफ्रेंड के बिना रह सकते हैं, पर बिना मोबाइल के तो नहीं रह सकती है। जो भाई लोग हैं वो नहीं आए, तो सीओम को मैं बताऊंगा कि भाई मैं चैलेंज जो है वो हारने वाला हूँ। सीओम बाहर गया था गाइस, उसके कारण आपको एक भी जगह वीडियो में नहीं देखने के लिए मिलेगा, पर सीओम बाहर गया था, मैं सीओम को बताऊंगा जैसे भी हो, देखो फिर मेरी मजे लेगा गाइस चैलेंज। पहले तो मैं 6 डेज कंप्लीट कर लेता हूँ, आधे घंटे बचे हैं, क्योंकि गाइस अभी ऐसा हो रहा है मैं काफ़ी काम वाम आ जा रहे हैं, उसके कारण मैं काफ़ी मोबाइल जो है मुझे 1 मिनट का टाइमिंग दिया था बात करते समय, और थोड़ी हल्की सी बात ज़्यादा करना पड़ रहा है, और मोबाइल के बिना पहली बात तो सब कुछ मुझे अधूरा दूसरा सब फील हो रहा है, उसके कारण मुझे नहीं लग रहा कि मैं चैलेंज ज़्यादा दिन टिक पाऊंगा। और वो भी टिकना चाहूँगा इस, तो मैं 4-5 दिन टिक सकता, इससे ज़्यादा मैं 1 महीना तो किसी भी कंडीशन में कंप्लीट नहीं कर सकता। और मेरा पहला चैलेंज था, मुझे भी बहुत बेकार फील हो रहा है। चलिए टाइम 11:19 हो चुके भाई, तो 8 बजे हो चुके 6 दिन कंप्लीट, पर गाइस मैं इस चैलेंज आगे नहीं बढ़ा सकता, और 6 दिन बहुत बड़े गई है। मैं पहले चैलेंज लाइफ और यही चैलेंज पूरा नहीं करता, मुझे अपना बहुत बेकार फील हो रहा है, और कोई मुझे हंसा है गाइस, तो मैं चैलेंज को यहाँ इस चैलेंज हार मान लेता हूँ, क्योंकि मुझसे आगे नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नहीं कर सकता। मेरा मानना है जो एकदम काफ़ी मोबाइल चलाता है भाई, बिना मोबाइल चलाए मुझे सब कुछ अधूरा फील होता है, मैं खाना खाता हूँ तो मेरा पेट नहीं भरता, कुछ भी चीज़ में मुझे अधूरा फील होता है। मैं कह रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड के बिना रह सकते, बिना मोबाइल के एक ऑक्सीजन सा है, मैं इतना नहीं चलाऊंगा, पर मुझसे चैलेंज आगे नहीं पाएगा सॉरी। तो चलिए अब मैं जो मेरी मुझे इस चैलेंज के मुताबिक तो मुझे कटवाना होगा, तो चलिए गाइस अब क्या ही बोलूँ, मैं पहला चैलेंज था मेरा, मैं पूरा नहीं कर पाया, तो चलिए भाई मुझे कटवाते हैं, और यहाँ से काटेंगे, काफ़ी हंस रहे हैं हमें। अब चैलेंज गाइस मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था हंसना, और क्या है अब क्या ही बोलूँ मैं। तो मैं पहले से जानता था कि ये चैलेंज इनका नहीं पूरा हो पाएगा, इन्होंने 6 दिनों तक नहीं चलाया, और अभी बहुत गंदा भी कर रहे हैं गाइस। मैं जानता था, तो मुझे लगा था कि मैं रह पाऊंगा भाई, पर मुझसे तो अब नहीं हो पा रहा मोबाइल बिना चलाए, क्योंकि क्या 1 मिनट से ज्यादा बात हो जाती है, और चैलेंज मेरे बहुत डिफिकल्ट लगा मुझे। हाई मैं काफी मोबाइल चलाता हूँ और नहीं हो पाएगा अब ये। तो अब हम इनकी मुँह उड़ाते हैं टीमर से स्ट्रीमर से गाइस, बहुत बेकार फील हो रहा है कसम से, कई बोल पर बिना मोबाइल के भी नहीं रह सकता। आखिरी बार देख लो गाइस मेरी मुँछे, और वीडियो अपलोड करूँगा तो मैं बार बार देखा करूँगा, बहुत समय लग जाएगा 2-3 महीने इस मुँछ को आने के लिए। मैं तो ज़्यादा बिल्कुल बात नहीं करना चाहता गाइस, बहुत गंदा फील हो रहा है मुझे, चलिए कटवाते हैं मुझे।
कुछ इस प्रकार होलिया हो चुका है अभी इस चैलेंज के हारने से, तो काफ़ी बेकार फील हो रहा है मुझे। चलिए इस चैलेंज को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते किसी नेक्स्ट चैलेंज के साथ। मैं कोशिश करूँगा 100% कि मेरा जो नेक्स्ट चैलेंज हो 100% हो जाए और मैं उसे सक्सेस करूँगा 100%। और ये चैलेंज तो मुझसे पूरा नहीं हो पाया, तो चलिए नेक्स्ट जो चैलेंज है वो पूरा करने की फुल कोशिश करूँगा। और इस चैलेंज के कारण गाइस मैंने अपनी मूछें जो है खो दी है, तो 2-3 महीने बाद आ जाएंगी। बताना गाइस कमेंट्स करना मैं बिना मूछों के अच्छा लगता हूँ या मूछों के अच्छा लगता हूँ। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय जय हिंद। और इस गधे को देख लो, काफ़ी खुश है, काफ़ी हंस रहा है, ट्रिमर लेके पहले से खड़ा था गाइस कि आज चैलेंज हारने वाला है, तो ऐसा होगा करके। चलिए ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय जय हिंद।